अगर हम अपने घरों में बैठकर चैन की सांस ले पाते हैं तो इसके पीछे का कारण है हमारे देश की सीमाओं पर मुस्तैदी से खड़े हमारे वीर जवान। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे उसी जवान को हमारे ही देश में सुरक्षा ना मिले? ऐसा ख्याल भी हमें अंदर से बेचैन कर जाता है। लेकिन ऐसा सच में हुआ है करनाल के बयाना गाँव में, जहाँ दिलबाग नाम का एक भारतीय सेना का जवान लॉकडाउन में छुट्टियों पर घर आया हुआ था और गाँव बयाना में टीकरी पहरे पर लगा हुआ था ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। तभी वो गांव के कुछ लोगों के आगे जाने से मना करने लगा तो बाद में वो सभी लोग अपने कुछ साथियों के साथ वापस आकर दिलबाग और वहां पर पहरा दे रहे अन्य साथियों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह की तैयारी के साथ वो लोग आए थे। उनके हाथों में क्रिकेट बैट, कटर, हॉकी स्टिक और भी कई नुकीले हथियार थे। आपको बता दें कि इस हमले में भारतीय सेना के सिपाही दिलबाग की दाहिने हाथ की दो उंगलियां कट गई और उनके साथ ही साथी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और उनका इस बारे में क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। तीन चार दिन से राजेंद्र कुमार, हमें सूचना मिली की गाँव बयाना में झगड़ा हो रहा है। जब हम वहाँ पर मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर एक दिलबाग, एक सागर और एक रणबीर, इन तीन लोगों को जो ये टीकरी पैरा पर बैठे हुए थे, इनको गांव के ही कुछ शरारती तत्वों ने आकर मार पिटाई कर दी है। जो दिलबाग है उसकी दाहिने हाथ की दो उंगलियां डैमेज हो चुकी हैं बिल्कुल पूरी तरह से, और जो सागर है उसके सिर में कटर वगैरह लगा हुआ है। अभी उनके बयान लेके ऐसी कार्रवाई। दिलबाग क्या काम करता था? दिलबाग जो है फौजी है, वो अपनी छुट्टी पर आया हुआ था। वो छुट्टी पे आए हुए, अब लॉकडाउन होने की वजह से इनकी छुट्टियां भी एक्सटेंड कर दी गई हैं, जिस कारण वो अपना गांव में अपना जो है टीकरी पैरा पर सेवा कर रहा था, जो गांव गांव में पैरे लगाए थे। तो वहीं दिलबाग के पिता ने बताया कि गांव के सरपंच ने लिखित में उनसे वो पहरा देने के लिए कहा था, जिसके बाद ये घटना घटी। टीकरी पैरा लगा हुआ था, जो सरकार की हिदायत भी और गाँव की तरफ से भी हिदायत है सर, तो सभी नाकों पे सभी बच्चे पांच पांच बैठे हैं और मारे वाले नाके पे जब ये गवर्नमेंट की होती है इसी नाके पे ये मेरे बच्चे बैठे थे। और जैसे ये कोई बात नहीं, कोई इनके साथ कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अचानक से आए, दारू पी रखी थी, नशे में धुत थे और चार पांच मोटरसाइकिलें आई और तीन तीन चार चार उस मोटरसाइकिलों पे आदमी थे और उन्होंने अति गंडासी, कटर जिससे गन्ना काटा जाता है और डंडे, ये सारे वो हाथ में लेके मेरे बच्चों के ऊपर प्रहार कर दिया और उनको इतना घायल कर दिया कि मेरे दोनों बटिया सीरियस। बहरहाल समझने वाली बात ये है कि ऐसे पहरे और पुलिस की सख्ती देश के लोगों की भलाई के लिए की गई है ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन शायद लोगों को अपनी जान से ज्यादा दूसरों को परेशान करने और उनके सैर सपाटे से ज्यादा मजा आता है। न्यूज़ डेस्क।